मुझे तो लग ही रहा था विवेक बिंद्रा सबका ले रहा है पैसा, एक बंदे का 35,000, एक बंदे का 50,000। तभी सोचू विवेक बिंद्रा इतना मोटा क्यों होता जा रहा है। अगर गाइस किसी को बड़ा करना है तो मेरे पास आओ बिजनेस। गाइस बहुत डबल मीनिंग समझते हो तुम, अगर किसी को बिजनेस बड़ा करना है तो हमारे पास आओ, नहीं तो विवेक बिंद्रा जी के पास जाओगे तो खड़ा हो जाएगा कौन, महेश्वरी सर खड़े हो जाएंगे आप लोगों के साथ। तो गाइस मैं भी गया था विवेक बिंद्रा सर के पास, तो उन्होंने बोला बिजनेस बड़ा करना आसान है, तो मैंने भी बोला हाँ आसान है। तो गाइस मेरे पूरे पैसे डूब गए, कितने गाइस मेरे से उन्होंने लिया कम से कम 80,000 के आसपास, जिसमें से 4,000 दिया अभी गाइस पैसे नहीं है। पर एक बात है, कुछ हो ना हो आसान है, बोलने का मज़ा अलग है। तो गाइस बकचोदी छोड़ते अब आते वीडियो पे। तो गाइस अब कौन सही है कौन गलत है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना मुझे पता है सही विवेक बिंद्रा सर नहीं है, सही है अपने महेश्वरी सर। मैं तो महेश्वरी सर को सपोर्ट कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि किसी का ना बड़ा करते हैं ना किसी का छोटा करते हैं, तो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं विवेक बिंद्रा। मुझे भी पहले लगता था कि सब अपने अपने जगह पर सही है, पर वो भागवत गीता उसको भी उसी में बेच रहे, क्या बोलते हैं भागवत गीता को भी बिजनेस बना रखा है भाई। तुमने इतना तो बोल दिया कि विवेक वो भाई, ऐसे दोनों में से सही कौन है, संदीप महेश्वरी या विवेक बिंद्रा? मेरे हिसाब से विवेक महेश्वरी है? आसान है, हाँ आसान है।